नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हमारा सुबह सुबह का रूटीन, सबसे पहले हमने आज सफाई से ही अपना दिन की शुरुआत की है। तो सबसे पहले हम क्लीनिंग कर रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद जो है डीप क्लीनिंग होती है, जैसे कि घर के जाले साफ करने हो या ये एक मंथ में या फिर दो मंथ में एक ही बार हो पाता है जाले साफ करने वाला काम। गाइज, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने अभी जो है यूट्यूब चैनल न्यू स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा न्यू चैनल को। अभी बहुत अच्छे से इन्होंने सारे जाले निकाले। देखिए, आप देख पा रहे हैं, पहले इन्होंने सुबह सुबह उठ के यही काम स्टार्ट किया। ये है हमारी प्यारी प्यारी सी दादी जी, अम्मा जी हैं, जो कि हमारे बकरू मतलब उसको जो है वो बांध रहे हैं। हमारे हिमाचल में इसको छेलू बोलते हैं। तो अम्मा जी अभी छेलू को बांध रहे हैं। ये बार बार भाग रहा था और आंगन में आ रहा था और पॉटी कर दे रहा था। इसके बाद हमारे प्यारे से चिकन चिकनू नाम है इनका। सुबह सुबह हमने फर्श क्लीन किया, क्योंकि यहाँ पे जो ये बकरू हैं इनकी पूरे घर को चकाचक कर दिया इन्होंने। घर को तो सॉरी मैंने किया है, बट थोड़ा सा बरांडा। कैसा एक्सपीरियंस है आपका? हाँ, बहुत ही गंदा क्यों काम करना पड़ रहा है भाई? तो कितने अच्छे से इन्होंने साफ कर दिया बिल्कुल। ये बेचारा मनी प्लांट ऐसे ही ख़त्म हो गया, अब चल नहीं रहा है ज़्यादा। आजकल पैसे कम आ रहे हैं हमारे पास पैसे की कमी हो गई है, इसलिए मनी प्लांट बेचारा सूख गया है। क्या बन रहा जी, क्या बन रहा? रोटी खा रही हूँ। क्या हुआ अम्मा? सही गल, बंद कर दें फिर, यहाँ फेरी बनाएंगे रोटी खाई है ना, रोटी खाई। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, मम्मी जी इतने ऊंचे पेड़ पे चढ़े हुए थे इन बकरुओं को डाली लाने के लिए। मुझे बहुत लग रहा था, मुझे मम्मी बहुत ऊंचे पेड़ पे चढ़े हुए।
इनको देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पर वो डर ही नहीं रहे थे क्योंकि उनको आदत है उस उन ऐसे काम करने की। कितनी अच्छा ऊपर है? हाँ ऊपर है, यह देखती रही ना जो तेरी एक हद तक लगी। रुक चाचा, अच्छा। गाने सुनाई दे अम्मा। कोई भी सुनाई दो जो तुम्हें पसंद। जो रन यानी आवाज नहीं आ रही। काम छोड़ के मेरा बड़ा बड़ा परिवार बाबा जी की नैया हो, काम छोड़ के तिया बिचारिया पुतरे प्यारे, तिया बिचारिया पुतरे प्यारे। उसे पैसे पूछ बेरे हुए हैं आदमी मेरे, कहीं पर सस्ते हुए हैं पाओ रुपये किलो बादाम आ जाने। रुपये किलो बादाम आज रुपये किलो की मैं खरीद लूँगा। 3 रुपये किलो 3 रुपये 25 रुपये बट्टी। अच्छा सोना क्या रेट है? सिमना घट है, सिमना रहा है 400 रुपया 300 400 500 तोड़ा। 500 रुपये तोड़ा चाहे भी जो भर गए नहीं। अच्छा कभी जो खड़ा चक था गास है बड़ा। अच्छा फिर जो फूल से चांदी जड़ी फिर तीन भी डेढ़ बोल रही है थी पवन ही फिर शिव ने चक था। अच्छा फिर एक कभी जो तोड़े मूर्ति थी शिव ने छी पागी मुझे लौंग था। अच्छा शिव ने नाम था फिर छल बड़ी यहाँ मेरे फिर उठनी पा रही है फिर मेरी बहन जो गजू पा रही है मिंजो से फिर चूड़ा दी चेडा लंबाई की मिंजी फिर आठा। अच्छा क्या टिप्स देना चाहते हो आप जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको, और कौन से मंथ में मतलब ये पोचा वगैरह लगाना चाहिए? 9 मंथ में स्टार्ट, मतलब बेस्ट तो 8 मंथ में स्टार्ट कर देना चाहिए। जब भी नॉर्मल डिलीवरी होगी मैं तभी सोच सकती हूँ कि इस चीज़ ये सारी काली रहने। ये आगे हम ऊपर वाली मंजिल पे जहाँ पे कि मम्मी जी गए हुए था काम कर रहे हैं, मतलब जो गेहूँ थ्रेसर करने के बाद जो गेहूँ होती है उसमें थोड़ा सा गंध रह जाता है जिसको कि फैन की हेल्प से जो है वो क्लीन करते हैं, इसमें जो गंध होता है उसको तो गेहूँ में से जो गंद होता है उसको क्लीन करके धो के फिर जो है अंदर रखते हैं। तो ये है हमारा ऊपर वाला सेकंड फ्लोर वाला एरिया जहाँ की अभी एक ही कमरा बनाया हुआ है, और ये बाहर का एरिया है। तो अभी मम्मी जो है इसको साफ कर रहे हैं, इसमें से जो साफ साफ होगा वो नीचे गिर जाएगा और जो कूड़ा होगा वो साइड में हो जाएगा, इससे जो है वो बिल्कुल साफ हो जाती है गेहूं। और फिर इसका आटा बना पिसवाने के लिए देते हैं, पहले रख देते हैं और साथ में इसमें दवाई डाल देते हैं ताकि ये मतलब ख़राब ना हो काफ़ी टाइम तक। ये बहुत सारी गेहूँ थी हमारी, एक्चुअली हमारे थ्रेसर है तो थ्रेसर से निकलने वाली गेहूँ भी होती है बहुत ज़्यादा, तो सारी क्लीन करके फिर अंदर रखते हैं।
इसकी क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक एक दाना साफ करना पड़ता है इसमें से, जो कंकर पत्थर जो भी होता है वो उससे में से निकालना पड़ता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मम्मी ने बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया। झाड़ू से साइड में निकाल रहे हैं जो कूड़ा जैसा है। अब इसको कूड़े को निकाल के ये देखिए कैसे मम्मी जी निकाल रहे हैं, कूड़ा कूड़ा निकाल के, बाकी इसमें जो कंकर पत्थर होंगे उसको भी देख के फिर इसको बोरी में भर के फिर अंदर रखेंगे। मुझे खुद को अभी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मम्मी को देख देख के हम भी सीख रहे हैं। ये देखिए इसमें